आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है, हो हो आती रहेगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे, गीत वफा के प्यार की सरगम, बन के रहेंगे दिलों में सदा हम, है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी, हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेगी बहारें, आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें। वो नहीं चाहती कि अमर की सगाई मेरे साथ हो। क्यों? क्योंकि वो अमर से प्यार करती है। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने मधुड़ी को रश्मि के घर से बाहर निकलते देखा। कहाँ है मधु? उसकी आदतों पर लगाम डालो, वरना अगर हम मकान मालिक की तरफ पेश आने लगेंगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल ही हो जाएगी। आजी, इतनी आसानी से आप मुझे यहां से नहीं ले जा सकती। जय श्री कृष्ण रवि भाव, क्यों आए हो यहां तुम? भाव, आप मेरे को मालूम है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तुम मेरे को माफ, गुस्सा छूट गया। मैं तुम्हारे पैर पर कोई जरूरत नहीं है इसकी, नाटक बंद करो सब, चलो यहां से। तभी भाव, भगवान के लिए इसको नाटक मत बोलो प्लीज। बकवास बंद करो तुम्हारी, सीधे सीधे बताओ यहां क्यों आए। वो क्या है ना, हमारा भांजा अमर है ना, उसका सगाई है, तो हमारा बनेरी चंदूलाल बोला के आपको ये मिठाई दे के आऊ। वो तो क्या है कि अपने यहाँ जो काम करता है ना चंदूलाल, उसको बोनस और मिठाई देता है। वो बोलता है कि छोटे लोगों को ऐसा मिठाई और बोनस देने से अपना भलाई होता है, इसीलिए गुस्सा मत करो। क्या है ये देख, हम अपने हाथ से तुमको मिठाई खिलाते, खा लो। चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। जय श्री कृष्ण रवि भाव। रवि भाव, मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराने आया भी नहीं था, मैं तो ये देखने आया था कि तुम में और कितनी कड़वाहट भरी जा सकती है। मामा कंस की सुगंध अब इस करेले को नीम पर नहीं चढ़ाया ना, तो मेरा नाम भी मामा रजनीकांत नहीं। अमर, बेटे ये क्या है? तुम सबसे अलग होके यहां पर खड़े हो अकेले, और वो भी ऐसे उदास आज के दिन। चलो चलो चलो, सब बात तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं। पापा, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी। हाँ बेटा, फिर भी मुझे सब मालूम है बेटा, कि आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, और आज ही के दिन तुम्हारे दोनों खास दोस्त तुम्हारे साथ नहीं है, बराबर का ना? बेटा एक बात कहूँ, इंसान को कभी कभी है ना दूसरों की खुशी के लिए अपने गम को भूल जाना पड़ता है, समझे? आज अपने लिए ना सही, तुम्हें हमारे मेहमानों के लिए भी वहां सबके साथ रह के बात करनी चाहिए, घुल मिल जाना चाहिए। अरे बेटा, अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? तो क्या करूं, खुशियां मनाओ, ढोल बजाकर नाचो उनके साथ। मुझे पता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सगाई का तमाशा,
मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाने के लिए। बड़ी मुश्किल से मधु सब कुछ भूली है, अब फिर से उसे जलाने के लिए ये सगाई का नाटक यहाँ किया जा रहा है। तो होने दीजिए जो हो रहा है, मधु को भी पता चलेगा। जिसके लिए वो मर मिटने को तैयार थी उसकी असलियत क्या है। बहुत गलत सोच रहे तुम दोनों, बहुत गलत। क्या अपने गुस्से में तुम इंसान को पहचानना भी भूल गए हो? आई अब समझने को पहचानने को बचा ही क्या है बाकी? बहुत कुछ बचा है छाया, बहुत कुछ बचा है। बस तुम दोनों को दिख नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने नफरत का पर्दा है। अपने ही नजरिए से देखना चाहते हो सब कुछ। नजरिया बदलने से सच्चाई बदल नहीं जाती आई। आप ये कह रही, आप इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको ये लग रहा है कि वो लोग जो कुछ कह रहे वो ठीक कर रहे? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूं अमर का दिल बिल्कुल साफ है। उसने ये सगाई यहां हमें जलाने के लिए नहीं की है, बल्कि इसलिए की है क्योंकि उसके दिल में अभी भी हमारे लिए छटपटाहट है। अब इन हालात में वो चाहता तो भी हमें अपनी खुशियों में शामिल नहीं कर सकता था। इस मौके पर हम वहां नहीं जा सकते थे, लेकिन अपनी सगाई यहां करके अमर यहां हमारे पास आ सकता था। और तुम दोनों सच सच बताओ, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि वहां जाकर अमर को आशीर्वाद दो? आए मिलिंद कहां है? अपने कमरे में बैठा रो रहा है। क्या तुम दोनों को क्या लगता है इतनी आसानी से भूल जाएगा वो अमर को? इतनी कच्ची थी उसकी दोस्ती? अमर तुम अचानक यहां क्यों चले आए? तुम बताते क्यों नहीं कि बात क्या है? कोई बात नहीं रश्मि। अगर कोई बात नहीं है तो फिर तुम यहां क्यों आए? वहां पर सब लोग हमारे लिए आए हैं और तुम हो कि इस तरह मूड ऑफ करके यहां बैठे हो। चलो मेरे साथ। नहीं रश्मि, अब मुझसे ये सब और नहीं होता। जब मेरा मन ही उदास है तो फिर लोगों को दिखाने के लिए नाटक क्यों करूं? ये नाटक नहीं है, एक जिम्मेदारी है। हर हाल में अपने लोगों को खुश रखने की जिम्मेदारी। क्या इस तरह से ढोंग करना जिम्मेदारी है? चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि झूठ मूठी सही, लेकिन ये करना पड़ता है। लेकिन मैं अपने आप से कैसे झूठ बोलूं? अगर तुम झूठ बोल नहीं सकते तो एक झूठ पर यकीन कैसे कर सकते हो? अमर वो झूठ ये है कि मिलिंद और पैडी यहाँ पर नहीं आएंगे। क्या तुम अपने दोस्तों को इतना भी नहीं जानते? तुम्हें अपने दोस्तों को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानना चाहिए, है ना? अमर, अमर, अरे तुम लोग यहाँ खड़े हो, चलो चलो सगाई की रस्म शुरू करनी है, चलो। कर मधु कुछ कर, तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अभी थोड़ी देर में अमर की सगाई हो जाएगी और फिर तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। पर कुछ करने के लिए सगाई में जाना जरूरी है, पर वहां तो बाबा मुझे जाने नहीं देंगे। क्या करूं, कैसे रोकूं इस सगाई को मैं? भैया क्या बात है, आप सगाई में नहीं जा रहे? तुम नहीं जानती क्या? पता है, इसीलिए पूछ रही हूँ। क्या आपको नहीं लगता आपको वहां जाना चाहिए? नहीं। लेकिन भैया, जो कुछ भी हुआ वो अमर के मामा के वजह से हुआ है। आप अब भी अमर को दोषी मानते हैं? मुझे जाना ही नहीं, बस। आप झूठ बोल रहे हैं भैया। आप ये झूठ दूसरों से बोल सकते हैं, मुझसे नहीं। अगर आपका दिल कहता है कि आपको जाना चाहिए तो जरूर जाना चाहिए। मगर जब आप खुद ही नहीं जा रहे तो मेरा जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे कुछ और तरीका ढूंढना होगा, वरना ऐसा ना हो कि मैं अपने अमर को हमेशा के लिए खो दूं। नहीं, सोच मधु, सोच। हेलो आंटी,
अरे कैसी हो? ठीक हूँ। बहुत सुंदर लगी। थैंक यू। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आ रही। जी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ। पैडी नहीं आया? नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि वो तुम्हारी शादी पे जरूर आएगा। बहुत अच्छी लग रही है। पीना दे। अमर, क्या सोच रहे हो? अंगूठी बनाओ ना। हमारी सगाई में ना आया हूं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अंगूठी पहनाते हुए तुमने हमसे मुंह नहीं फेरा। दूर से ही सही, वो हमारा सगाई का हिस्सा तो बने। तुम चिंता मत करो, मैं हमारी शादी तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। मत रो बेटा, मत रो। आज तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत जहां थी वहां तुम नहीं गए। मैं समझ सकती हूं तुम्हारी तकलीफ को। आज मैंने खिड़की से अमर की सगाई होते देखा है, और ये भी देखा है कि अमर की आंखें कितनी बेचैनी से तुम दोनों को तलाश रही थी। बस बस एक ही बात का सुकून है, तुम दोनों अमर की सगाई में शामिल नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं तुम उसके इर्द गिर्द थे। बेटा, मैं जानती हूं इतने सालों की दोस्ती को यूं तोड़ देना और उसे भुला देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अनजाना सा ये सफर, कल क्या हो किसको है खबर। मन जाना सा ये सफर, कल क्या हो किसको है खबर। पेड़ी तू रो रहा है, तेरे दोस्त की सगाई हो रही है,
और तो वहां नहीं गया। ऊपर वाला भी कैसे कैसे इम्तिहान लेता है इंसान से। बचपन के दोस्तों को एक पल में पराया कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, तू वहां नहीं गया ना, सही, उसकी सगाई देख तो ली ना। मैंने भी देखी वहां किचन की खिड़की से। ये देख बेटे, मिठाई आई है वहां से हमारे लिए। तू अपने दोस्त की खुशियों में शामिल तो ना हो सका, मिठाई खाकर मुंह तो मीठा कर सकता है ना। ये सब तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। मल्होत्रा साहब मुबारक हो। अरे ऐसे नहीं, ऐसे मुबारक हो, मुबारक हो। अरे मुबारक हो। हे भाई ढोल बजाओ। लीजिए चाय, लीजिए चाय लीजिए। बात क्या है, कहाँ खोए हुए आप? नहीं कुछ नहीं। फिर से अखबार सुबह से 3 बार पढ़ चुके हैं ना, ऐसी कौन सी खबर छपी है इसमें? मुझे पता है यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसी बात को लेकर आप परेशान है ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इन छोटी छोटी बातों से हम क्यों परेशान हो। नहीं जो करना है सो करे, हमें उससे क्या। बंद करो खिड़की दरवाजे सब, वरना ये लोग हमें पागल कर देंगे। ये दौलत वाले सिर्फ अंधे ही नहीं बहरे भी होते हैं, और इनको समझाने से अच्छा है हम खुद ही अपनी आंख और कान बंद कर लें। ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अमर। आग लगाऊंगी कि तुम्हारे सारे सपने जल के खाक हो जाएंगे। We'll be right back.
मधु के अरमानों की लाश पर मैं तुम्हें अपने प्यार का महल बनाने की इजाजत कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। सदा ही हंसी है, हो आती रहेगी बहारें।